So guys, as you can see, the Vinci Gourmet is, I think it's launched recently. नया नया भी लॉन्च हुआ है, ठीक है? इंडिया में मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है पुराना भी हो सकता है नया भी है. हमने भी ट्राइड कि कोई इनकी तरफ से आए हमारे साथ बात करे, बट इनकी कुछ कंपनी पॉलिसीज है, दे आर नॉट श्योर कि हम लोग डाल पाएंगे अपने चैनल पे उनके साथ या नहीं, तो अभी खुद से कर रहे हैं. एक ये ड्रिंक आई है हमारी तरफ से, एंड दिस इज वन मोर स्पाइसी जामुन काफी ट्रेंड में चल रहा है, दो तीन जगह. और ये क्या है? लेमन मोहितो. मजेदार, थोड़ा सा माइल्ड है. आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. मुझे वो अच्छा लगा, मिंट का काफी अच्छा है इसमें पता चल रहा है, फ्रेश मिंट का फ्लेवर है ना, बिल्कुल बैलेंस है, काफी भी नहीं है. सबसे बड़ी बात है शुगर सिरप इसमें ऐड करा हुआ है ना, वो बैलेंस है, ज्यादा आई नहीं है, क्योंकि कॉकटेल में मोस्टली ये होता है कि शुगर काफी हाई हो जाता है, और इसमें देखो ये तो मॉकटेल है ऑब्वियसली, इसमें आपको अगर घर पे आप अपने होम बार में आप अपना कोई भी अगर तो आपको ये बनाना है, मोहितो बनाना है, वाइट रम या वोडका दोनों चल जाती है आजकल, तो पहले तो वो वाइट रम से बनती थी जाते हैं, तो यू कैन ऐड एनीथिंग, स्पाइक इट अप अ लिटिल एंड ट्राई, आपको मजा आएगा इसमें. खासतौर से जो इनका मिंट है फ्रेश वाला, मजेदार लगा मेरे को. किसी ऑफिशियल से बात होती तो बड़ा मजा आता आप लोगों को दिखाने में, बट अगेन हर किसी का, आप जरूर ट्राई करिएगा, दाविंची ओन ही है, ड्रिंक है, प्योर एंजॉय करने वाली चीज है. थैंक यू गाइस, चलो. तो गाइस रवि आ जाओ, जो जिसके लिए बोला था वो आप करने वाले हैं, आप करने वाले हैं हम शुद्ध शाकाहारी अंडा भुर्जी की रिव्यू, ठीक है? आप खाते हैं शुद्ध शाकाहारी अंडा, चलो आ जाओ. Well guys, तो कुछ इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है यहाँ पे, वेजले करके ग्रीन पैथर नाम से पता चल जाता है, वेजिटेरियन नाम भी ऐसा सजेस्ट किया हुआ था, तो थोड़ा सा देखते हैं इनका क्या है. ये बिरयानी एक बार ट्राई करो, तुम्हारी फेवरेट. नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट भाई जरूर होना चाहिए. नाइस, क्वाइट गुड, एक्चुअली गुड, मजा आया इसको खाने में. So, ये आपने क्या बताया? सही है, वेजिटेरियन शोरमा है. वेजिटेरियन शोरमा रोल बना के दिया आपको. अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? बलराज फ्रॉम वेजले वेजले फूड्स. ओके गाइस, ये बताइए कि इसको बनाने में कितना टाइम लगता है, अगर आपके पास रेडी टू मेड है? देखिए पूरा शोरमा रोल होता है, पूरा हमारा वेज वाला होता है, इसको मशीन में अगर आप लगाते हैं तो थोड़ा बेक होता है. ओके, उसके बाद तो चॉप करके रोल के अंदर भर के. तो बेसिकली बी टू बी है, बिजनेस से बिजनेस के लिए. आप अपने किसी बिजनेस ओनर को दोगे, रेस्टोरेंट वगैरह उनको? वो भी है, और रिटेलर के लिए भी आता है, हमारा रिटेलर पैक्स भी आता है. रिटेलर पैक्स भी आता है, घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसको खाली गर्म करना होता है पैन पे. अच्छा, या उसको कढ़ाई के लिए तवे पे कर लीजिए, अच्छे से गर्म करके वैसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, बिना रोल के भी आप खा सकते हैं. और क्या क्या ऑप्शन? बहुत बढ़िया बात है, हमारे पास सीख कबाब है, शामी कबाब है, रोगन जोश है. ओके, सीख शामी तो जैसे खाली डीप फ्राई करना होता है, रोगन जोश बिरयानी है खाली गर्म करके खा सकते हैं. अच्छा, और टिक्के हैं जैसे मलाई टिक्का, सोया वेज चिकन टिक्का, सोया वेज मटर टिक्का, सोया वेज मीट टिक्का, बेसिकली सोया बेस्ड है सब, सोया बेस्ड है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि आप सोया खा रहे हैं. क्या बात है, तो गाइस वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे. और ऐसे अंडा भुर्जी भी आती है. अरे हाँ, अंडा भुर्जी आप बता रहे हैं, आप ही का है? आप ही का है? एक्चुअली उसके लिए हमने ऑलरेडी बात किया, प्लीज टेस्ट कराइए, जरूर देखिए वेज अंडा भुर्जी, जरूर टेस्ट कराइए हमें. चलो पहले कबाब टेस्ट करते हैं. मजेदार है भाई, मजेदार है भाई. ये ना आप, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग नॉन वेजिटेरियन ईटर हूँ, पर भाई ये मैं रिप्लेसमेंट के तौर पे खा सकता हूँ अगर अवेलेबल नहीं है. ओके, में मजा आया. तो भाई वेजली एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया अपने वेजिटेरियन भाइयों के लिए. तो भाई प्लीज अगर कहीं पे भी आपको बिजली का, किसी भी रिटेलर पे आपको बिजली का अगर पैकेज दिखता है आपको, तो प्लीज उसको जाके ट्राई करो. अभी हम रिटेलली अब अंडा भुर्जी ट्राई करने वाले हैं, वो भी वेज के साथ, अंडा भुर्जी. तो गाइज ये आ चुकी वेज अंडा भुर्जी, आप एक बार इसको लुक कर दीजिए भाई, लुक देख ले भाई, लग रहा है अंडे का. अब देखते हैं भाई, रवि रिव्यू देगा, शेफ नोज बेस्ट की भाई क्या उसके अंदर अच्छा है.
पक्का इसमें अंडा नहीं है? यार ट्राई करके देख, मतलब थोड़ा लोग आप अपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं, बट जो बेसिक है आपका जो अंडे वाला जो इसमें वो है फ्लेवर है, जो अंडे वाला जो टेक्सचर है बेसिकली क्रम्बल्ड एग का, इट्स अमेजिंग यार। प्रोसेस बनाने का तरीका भी सेम है। हाँ बनाने का जैसे नॉर्मल नॉनवेज अंडा भुर्जी बनाते हैं, हाँ उसी तरीके से। और ये कितने रुपीज़ की पैकिंग में आता है सर? छोटा पैक भी आता है, कमर्शियल पैक भी आता है। छोटा पैक जैसे मैं वो 199 का आता है, उसके अंदर कितनी भुर्जियाँ बन सकती है? कितने 200 ग्राम का पैक होता है। कितने का? 200 ग्राम। एक बार पैक देख सकते हैं। तो गाइज ये है 200 ग्राम का अंडा भुर्जी का पैक, और मैं कहता हूँ क्वाइट वेरी गुड कि अगर कोई वेजिटेरियन अंडा भुर्जी खाना चाहता है उसके लिए तो भाई ये एक अमेजिंग चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वेज अंडा भुर्जी मैंने पहली बार सुना था और खाया भी पहली बार ही। टेक्सचर इतना बढ़िया मैच कर दिया इन्होंने, बिल्कुल टेस्ट करने के लिए। कबाब भी है, अरे कबाब, ये सोया सीख कबाब। और भाई हम पीने वाले जैसे लोगों के लिए कबाब ना हो तो बात ही क्या है, आधा अधूरा काम तो होने नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो जरा ये भी टेस्ट करके देखते एक बार। अच्छा टेक्सचर दिया है इसका भी कबाब का, एंड आप एंजॉय करेंगे जरूर। ओके गाइस, सो इफ यू रिमेंबर शार्क टैंक पे लास्ट फर्स्ट सीजन में एक ब्रांड आया था वकाओ करके, जिन्होंने जैक फ्रूट से काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस दिए थे, मीटी ऑप्शंस भी थे और ऑब्वियसली वेजिटेरियन फूड को इस्तेमाल करके नॉनवेज ऑप्शन दिए थे, एंड ही इज फ्रॉम वकाओ। आई एम वॉलंटियर इन वकाओ। या ओके, वॉलंटियर फ्रॉम वकाओ। ओके, तो आप थोड़ा सा बताइए वकाओ में क्या क्या फूड ऑप्शन अवेलेबल है, किस तरीके से पूरा प्रिपरेशन होता है? सो बेसिकली वकाओ इज अ वीगन कंपनी मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स आउट ऑफ जैक फ्रूट। ओके, सो एज वी ऑल नो, नॉट ऑल, लाइक सम पीपल नो दैट जैक फ्रूट, the tender jackfruit doesn't have a taste of its own or a flavor of its own, right? It just has a fiber and the sort of feeling of a chicken or a mutton, meaty feeling. If meaty feeling aate khate hain to hum log jo wo hum flavor dete hain wo adapt kar lete hain. Okay, to isliye we can have, these are the sausages, the packing, this packing is retort packing. Okay, isko ambient mein hum rakhte hain, fridge ki zarurat nahi hai, aur ek saal ki shelf life hai. एक साल की शेल्फ लाइफ है। यस सर। ऑलराइट, सो पीपल हु एक्चुअली आर नॉट श्योर व्हाट जैक फ्रूट इज, जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल बोलते हैं। दिस इज सॉसेज पैकेज, सो एज यू कैन सी द न्यूट्रिशन वैल्यू इज रिटन इन द बिहाइंड, द प्राइस इज ओवर डाउनस्टेयर, देन या दिस इज हॉट एंड स्पाइसी, वी ऑफर टू टाइप्स ऑफ सॉसेजेस, हॉट एंड स्पाइसी एंड अमेरिकन हर्ब, एंड वी ऑफर टू टाइप ऑफ बर्गर पैटीज, कॉन्टिनेंटल, and we offer an Indian and supreme flavor. Okay, so right now you guys only dealing in India, or are you trying to foreign options also? So we are in US, Singapore, US. Norway, we are coming in Norway and Dubai. Okay, and I mean these guys are getting bigger day by day. Can I have something for taste, just for sure, for sure, for sure. People, right? Supreme burger pack. Supreme burger pack, let's see. Yeah. This one. This is the packaging. So we are offering a pack of four. Okay. The Supreme comes around 450, and the Continent comes around 400. The packet. So it's quite meaty. You can actually feel meaty texture. You can actually have that meaty taste also from this. I would suggest try it with some mustard sauce. Yeah, you will actually love this. And some jalapeno mustard sauce, and there are many options with the sauces. I personally like mustard sauce, that's why I recommended that one. Amazing, amazing. So once again, he's Ashley from Bacau, and it was lovely talking to you. Sorry. Thank you, man.